बहुत सारे लेक हम गए हैं, जैसे कोडाईकनाल का लेक है, ऊटी का लेक है। आई एम एनी डे सेइंग दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल, पर इसका जो एक अजीब सा ब्यूटी है इसका, मतलब इट्स वेरी अप्रोचेबल। एक तो कोई टिकट नहीं है, आप आ सकते हो, कोई टिकट विकेट कुछ नहीं है, वहाँ पे भी नहीं है वैसे, पर पार्किंग का झंझट नहीं है, पार्किंग भी फ्री है, वैसे आप रख सकते हो। बाहर एक जगह पे पेड पार्किंग है, अदरवाइज यू कैन पार्क एनीवेयर। और बोटिंग जो है आज चालू हुआ है, कल बोट था यहाँ पे इसलिए बोटिंग नहीं हो रहा था, पर आज कोई दिक्कत नहीं है, आज बोटिंग होगा, आज सारे सर्विसेज ओपन है। यहाँ पे हॉर्स राइडिंग होता है, आप वो कर सकते हो, और सामने जैसे हॉर्स के स्टेबल है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो पीछे ही है मेरा, देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो पीछे ये हॉर्स स्टेबल है, वहाँ से लेके हॉर्स को, एंड दे कीप हॉर्स इज प्रीटी हेल्दी, मुझे देखना दिखा, दे आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड ऑल, तो वो अच्छा लगा। आप यहाँ पे एक दिन सो आराम से कर ही सकते हो टाइम स्पेंड, पर मैं कहूँगा आप यहाँ पे दो दिन भी टाइम स्पेंड कर सकते हो, अगर अगर इस एरिया में, मतलब दार्जिलिंग टूर में आपका बच्चे के लिए कोई बेस्ट जगह है तो वो है मिरिक लेक। ये मुझे कल मालूम पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे शॉप्स है, बच्चों को घूमने के लिए जगह है, वहाँ दूर में एक पार्क है जिसमें स्लाइड वगैरह है, और ऐसे भी लेक किसको अच्छा नहीं लगता, तो किड्स ऑल्सो इन्जॉयड लाइक क्रेजी। ये लेक का साइड से जो रास्ता आता है, जो सर्कमफेरेंस वाला, वो 3.5 किलोमीटर का है। कल मैं एक चक्कर लगाया, हम लोगों का तो पैर एकदम नया हो गया, जैसे क्या बताऊँ, क्योंकि क्या है यूजुअली पहाड़ में उतना तो नहीं चलते हम लोग, पर चल लिए, तो दैट वॉज टायरिंग बट एज वेल एज वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। याद रखिएगा यहाँ पे बंदर हैं, कल मुझे दिखे मोस्टली उस साइड में, यहाँ पे आपका स्टेबल से देखिए उस साइड में अगर आप चलते हो मिरिक लेक का दूसरा साइड में, तो आपको डेफिनेटली बंदर मिलेंगे, एंड बी अवेयर ऑफ देम, क्योंकि हाथ में खाना वाना होता है तो वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं, तो दैट शुड नॉट हैपन। ओके, ब्रेकफास्ट देने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैलिंगपोंग, और हमारा जो पुराने ट्रेवल बडीज़ हैं वो अभी लैंड कर चुके हैं बगडोगरा में, उनके साथ बात हो गया है, वो भी कैलिंगपोंग आ रहे हैं, तो हम लोग कैलिंगपोंग में ही मोस्ट लाइकली मीट करेंगे, और वहाँ से आगे का कुछ दिन का ट्रैवल होगा, तो मोस्टली आगे के दिन जो हैं वो भी अच्छे ही होंगे, एक्साइटिंग होंगे, क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ चल रहे हैं। एक चीज़ है, वोट के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ट्रैवल करेंगे, हमारा कर्नाटका रजिस्ट्रेशन का गाड़ी है, आपको मालूम है हम के रजिस्ट्रेशन का गाड़ी है हमारा डस्टर का, वो लेके हम घूम रहे हैं, पर कल हमें 2-3 जगह पे पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं, पुलिस जो है, वो रोके, नॉर्मल से चेकिंग किए, बहुत सही तरीके से बात किए कि हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं वगैरह, पर आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द ड्यूटी, बिकॉज ऑन द डे ऑफ द वोट इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, सो यू नो सो मेनी थिंग्स हैपन, सो they were doing that and they are very extremely well behaved, main utna kahunga, at least hame jitna laga abhi tak ke liye jin logon ke sath hamara encounter hua, they were very well behaved, but they had to do their duty, so salute to them ke wo bhi itne dur dur se aaye hain, right, all those people they are not from here, kahin 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 se bhi aaye hain, deployed hue hain aur kar rahe hain apna duty, to bahut unko sahayata karna hi hamara bhi duty banta hai। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोकल मिरिक मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर कर लिए, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें खरीद लिए, और हम लकी थे कि उस दिन सामने ही एक ट्रेडिशनल हाट बैठता है, हाट मतलब वीकली जो मेला बैठता है वैसा, जो कि फुल्ली ट्रेडिशनल है, गोरखा जो कल्चर है उसको आके सामने दिखाता है, जिसमें खाना से लेके पहनावे सारे चीज़ें बिकते हैं वहाँ पर, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। हम वो थोड़ा देखे और उसके बाद कैलिंगपोंग की तरफ आगे बढ़ गए। कपड़ों से खाने से लेके सब्ज़ी पल्सेस ये सब तो आपको मिल ही जाएगा, और आप अगर सही सीज़न पे जाते हैं ना तो आपको फ्रेश ऑरेंज, लोकल ऑरेंजेस हैं वो भी मिलेगा यहाँ पे। The hotelier told us to come here. That's why we didn't know we were going. We told him we are staying.
प्रधान होटल ही है। हाँ नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग मिरिक से वापस आ रहे हैं और जा रहे हैं कालिंपोंग, और रास्ते में ये जगह आता है। आप घूम के होता है रास्ता थोड़ा, पर आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा। इसको कहते हैं सिमाना व्यू पॉइंट। यहाँ से नेपाल बॉर्डर इज जस्ट देयर, आई मीन स्टोन थ्रो डिस्टेंस कहते हैं, माइलस्टोन में लिखा है 0 किलोमीटर नेपाल। तो वो बस नीचे वहाँ पे समा गई है अभी देखने के लिए, वो पीछे। तो यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, चाय वगैरह लेंगे, और यहाँ से इतना बादल है ना, आप देखो पीछे बादल बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, बहुत ज़्यादा बादल है, कुछ दिखेगा शायद नहीं, अदरवाइज मेरे ख्याल से नेपाल दिख जाता। तो इसके बाद घूम स्टेशन से आगे कालिंपोंग की तरफ जो रास्ता जाता है, इसको पेशॉक रोड कहते हैं। ये पूरा का पूरा नीचे जाता है, और अगर आप वापस आते हो कालिंपोंग से तो ये रास्ता ऊपर उठता है। तिस्ता ब्रिज के आसपास इसमें दो लूप्स आते हैं, जहाँ पे रास्ता पूरा का पूरा स्पाइरल होके नीचे जाता है या ऊपर आता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। और इसके बाद आता है द फेमस तिस्ता बाजार, और उसके ऊपर तिस्ता ब्रिज। तो अभी हम लोग कालिंपोंग के बहुत पास आ चुके हैं, जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये ऊपर ब्रिज देख रहे हो, तिस्ता रिवर के ऊपर ब्रिज है, और इस जगह को कहते हैं तिस्ता बाजार। तो बेसिकली रास्ता जो है ना, वो आपका घूम स्टेशन के बाद थोड़ा सा आगे आने के बाद ही आपका रास्ता सीधा नीचे आता है और आते ही जाता है। इसमें अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो इतना मैं कहूँगा आपको, थोड़ा लो गियर में कीजिए और एक बैलेंस कीजिए आप क्लच और ब्रेक के अंदर, नहीं तो दोनों में ही थोड़ा धकल आएगा, दोनों में ही बर्निंग होगा। पर थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए तो अच्छा होगा उसमें। जैसे मैं कभी ब्रेक में कभी क्लच में जितना मेरे से हो पाया मैं वो किया, आप लोग का एक्सपर्टीज अच्छा हो सकता है मुझसे, पर मैं बोल दिया पूरा का पूरा स्लोप डाउन है, तो आपको क्लच ब्रेक दोनों का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, इवन अगर सेकेंड फर्स्ट गियर जिसमें चला उसमें ही करना पड़ेगा। तो एनीवे हम यहाँ तक आए हैं, यहाँ से कालिंपोंग अराउंड 33 मिनट्स है, जो मैं ऊपर जाऊंगा आगे से जाके ब्रिज के ऊपर घूम के यहाँ से उस साइड में जाऊंगा, उस साइड से रास्ता फिर से पक्का हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, और कालिंपोंग पहुँच जाएंगे। आज पहुँचते पहुँचते 5 बज जाएगा, मोस्टली कहीं घूमेंगे नहीं, पर होटल जाएंगे, आपको दिखाएंगे होटल कैसा है, और उसके बाद देखते क्या होता है। और बस कुछ ही देर में हम पहुंच गए माउंट व्यू होटल में, जो हमने गोवा वीवो से बुक किया था। माउंट व्यू होटल बहुत ही सुंदर जगह पे बसा हुआ है, और हम लोगों ने इसका बड़ा सा रूम लिया था जिसमें कोई व्यू नहीं था, पर रूम काफ़ी बड़ा था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कालिंपोंग का साइट सीन, जहाँ पे हम दुर्पिन मोनेस्ट्री जाएंगे, गोल्फ कोर्स जाएंगे, और भी बहुत सारे जगह घूमेंगे, और उसके साथ साथ डेलो पार्क भी एक्सप्लोर करेंगे। आपके सुविधा के लिए हमने सारा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल में, तो हम तहे दिल से आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा।